अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त 3 हट्टी पर मौजूद हूँ। यहाँ सामने आपको धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ झोपड़ पट्टी थी और सुबह तकरीबन कोई 8 से 8 बजे के करीब या इससे पहले कुछ इतला मिली कि यहाँ पर झोंपड़ियों में अचानक आग भड़क उठी है और देखते ही ये झोपड़ पट्टी मुकम्मल तौर पर जल कर खाकस्तर हो गई है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जो इतला देने वाले जो लोग हैं उनकी जानब से कहा गया था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर बरवक्त काबू पा लिया है, कुछ बचा ही नहीं, तो पता नहीं आग पर कैसे काबू पाया है। यानी कि जो झोपड़ पट्टी थी वो मुकम्मल तौर पर जल गई है। इस वक्त तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन जो कुछ बचा कुचा था वो सारा जल गया है। ये कुछ सामान जो शायद अपनी मदद आपके तहत लोग निकाल सकते होंगे और उन्होंने निकाला है, जो आपको कुछ कुछ नज़र आ रहा है। कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं यहाँ, इस तरफ भी जानवर, कुछ बकरियाँ और लोग जो है इंसान मौजूद हैं यहाँ। मुर्गे और मुर्गियाँ भी नज़र आ रही हैं, लेकिन इंसानों की तरह हाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह उनकी बुरी हालत है, सब कुछ अपना जल चुका है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, ख्वातीन और मर्द भी हैं, जो अपने जो उनकी जो जगह बच गई है, यानी कि जहाँ पर उनकी झोंपड़ पट्टी थी वहाँ पर अब उसको साफ वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं कि लग रहा है, बाज़ाहिर लग रहा है कि इस जगह दोबारा वो इसी तरह जो है वो उस उन्हीं जगहों पर दोबारा आबाद होना चाहते हैं। इसलिए जो राख और जो मलबा है जला हुआ उसको खुद अपनी मदद आपके तहत उठा रहे हैं। मीडिया यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान रेंजर्स भी यहाँ मौजूद है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है, लेकिन जो वकूअ रुनुमा हुआ अब तक उसकी कोई इत्तला नहीं मिली कि ये किस तरह आग लगी थी या लगाई गई थी। लेकिन पिछले साल सर्दियों में और इस तरह तकरीबन रोज़ आप या साल दो साल के बाद सुनते हैं कि यहाँ की झोपड़ पट्टी में आग लग जाती है और उसके बाद फिर देखते ही देखते सारी झोपड़ पट्टी जल जाती है। उसके बाद फिर ये लोग दोबारा आबाद होते हैं और दोबारा फिर इस तरह जो है वो यहाँ रिहाइश इख्तियार करते हैं। यहाँ की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अब ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने सफाई शुरू कर दी है कि जो इनका वो घरों का, जिन लोगों ने जहाँ जहाँ ये जो लोग मुकीम थे, आबाद थे, उस जगह पर ये दोबारा कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आबाद हो सकें। बाकी जो सर छुपाने की जगह थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मलबा खुद अब राख और कचरा जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं दूसरी जगहों पर। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मीठे पानी की लाइन जो है ये फटी हुई है, जो बहुत बड़ी पानी की लाइन है, जो कि ये लियारी नदी से गुजर रही है। ये इसके अंदर से सुराख हुआ हुआ, लोग इसमें नहा रहे हैं यहाँ तक, और पानी जो है बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। जो नहाने के बाद जो पानी ज़ाया हो रहा है वो सीधा लियारी नदी के अंदर जा रहा है, यानी कि ना तो वाटर बोर्ड को होश आता है और ना ही किसी इंतज़ामिया को। ये बंद ही नहीं होता शायद, और ये इसी तरह पानी ज़ाया होता है और कई मकाम पर जो है इस तरह पानी ज़ाया हो रहा होता है, किसी को कोई ख्याल नहीं आता। बहरहाल सूरत हाल मैं आपको दिखाऊँ कि आपको ताहत देने का नज़र आ रहा होगा कि यहाँ यानी कि दर्जनों की तादाद में फैमिलीज़ रिहाइश पसीर हैं, एक अरसे दराज से यहाँ रहते हैं। आग लगती है उसके बाद फिर झोंपड़ पट्टी उनकी जो भी जो घर थे वो राख हो जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद फिर वो दोबारा बना लेते हैं और ये सिलसिला एक अरसे से चल रहा है। पिछली बार शदीद सर्दियाँ थी, उसमें आग लगी थी और आए रोज़ इसी तरह की इतलात आती रहती हैं। और जहाँ तक हम फायर ब्रिगेड की जो सलाहियतों की बात करें तो आग लग जाती है, उसके बाद तबाही हो जाती है, उसके बाद फिर पता चलता है कि फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। अब किस तरह ये आग पर काबू पाया गया है आप खुद देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा। हाँ तो दोस्तों, ये शफी बलोच साहब मौजूद हैं, डॉन टीवी के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आज इस वाक़े को ये भी रिपोर्ट करने के लिए आए थे। शफी भी, अक्सर आप देखते हैं कि आग लगती है, देखते देखते आग तबाही मचा देती है, तो यहाँ पर आप जब आए तो आपने क्या देखा, क्या सूरत हाल हुई, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी देखिए, तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर एक झुग्गी में आग लगी थी और यहाँ के लोगों का कहना है कि एक झुग्गी में आग लगी थी जिसकी वजह तो सामने नहीं आई, तो हम को आग फैल गई और जो बाकी झुग्गियाँ थी वहाँ तक फैल गई। तकरीबन 100 के करीब यहाँ पर झुग्गियाँ थी और जिले इंतजामिया का कहना है कि ज़ाहिर ये जो है वो इलीगल झुग्गियाँ हैं, इसलिए पिछले साल भी इसी तरह यहाँ पर आग लगी थी। खुशकस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, तो हम सारी झुग्गियाँ जल गई हैं और जो यहाँ के रिहायशी थे उनकी कोशिश है कि कुछ अगर सामान बचा करो, जो उनका सामान है वो यहाँ से समेट के ले जाए, लेकिन तकरीबन सबको जल चुका है और तकरीबन लोग खुशकस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद तकरीबन कहा जा रहा है कि
8 के करीब जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जो है वो कामयाब हो गई। पिछले साल भी यहां पर आग लगी थी, लेकिन आग बुझी कहां ही, तो सब कुछ जल गया, तो फिर कामयाब कैसे हुई गाड़ियां? नहीं, मतलब यहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जितने लोग अंदर थे वो खुशकिस्मती से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन सारे ये कपड़े से और लकड़ियों से बनी हुई झुग्गियाँ थी, तो आग यहां पर जल्दी फैल जाती है और पिछले साल भी यहां पर आग फैल गई थी। और ड्रेस सुधारने की जानब से माजी में हमने देखा कि यहां पर ऑपरेशन भी किया गया और इन झुग्गियों को खत्म किया गया, लेकिन दोबारा से यहां से झुग्गियाँ कायम होती है और लोग यहां पर रिहायश अख्तियार करते हैं। वो देखें ना, अभी उन्होंने वो चटाई और ये सारी बिछाना भी शुरू कर दी है बच्चों ने, इसका मतलब है दोबारा इसी जगह पे आबाद हो जाएंगे। जी सर, माजी में भी इनको यहाँ से हटाया गया था सर इंतजामिया की जानब से, लेकिन इनके पास कोई मुतबादल रिहायश है नहीं, तो ये लोग यहाँ से जब इनको निकाला जाता है वापस आके यहाँ पर वो अपने जो झुग्गियाँ वगैरह फिर बनाते हैं, यहाँ पर ये लोग रिहायश अख्तियार करते हैं। तो ये ज़ाहिर है हुकूमत को इंतजामिया को चाहिए, इदारों को चाहिए कि वो अपनी रिट इस्टेब्लिश करें और मुस्तकिल बुनियादों पर ना सिर्फ यहाँ इस इलाके में बल्कि आशिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह जो है वो लोग गैरकानूनी तौर पर झुग्गियाँ बनाकर यहाँ पर रिहायश अख्तियार करते हैं और जो कि गलत है, लेकिन अब रियासती रिट यहाँ पर जो है वो इदारे रियासत के रिट एडजस्ट करने में यहाँ पर मेनटेन रखने में जो है नाकाम दिखाई देते हैं। यही वजह के सुपर हाईवे आप देख लें या शहर के किसी भी इलाके में वहाँ पर इस तरह की झुग्गियाँ बस्ती हमें नज़र आती है। थैंक यू शफी भाई, थैंक यू। बहरहाल ये सूरत हाल है कि तकरीबन हर साल या साल दो साल के बाद इसी तरह इन्हीं झुग्गियों में आग लगती है और उसके बाद फिर सब तबाह हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा आबाद हो जाते हैं। अब फैमिलीज दोबारा कोशिश कर रही हैं इसी मकाम पर दोबारा सेटल होने में, आबाद होने में। और दूसरा ये पानी की जो आप आबशार की तरह पानी देख रहे हैं कि मेन लाइन जो है पानी की बस्ट हो चुकी है, फटी हुई है और उस लाइन के अंदर से पानी जो है वो नदी के अंदर जा रहा है।